गुड आफ्टरनून दोस्तों, और ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग मैन पार्ट के सुंदर से कॉटेज में हैं। हालांकि हमने नॉन ए सी बट कूलर वाला रूम लिया। ये एक कूलर है, दूसरा कूलर ये सुंदर से कॉटेज है। वहाँ एक डबल बेड है और ये एक डबल बेड है जिसपे मैं बैठा हूँ। देख लो डेकोरम, बट इसका हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा, 2000 रुपये पर नाइट, या ये कहूँ कि 23 आवर्स का 2000 रुपये पड़ा मैंने। तो कल 11 बजे तक पहुँच पाएगा कि मैन पार्ट ठंडा हो जाएगा, तो हम बस छोड़ेंगे। यहाँ पर तो भाई सेल्फ सर्विस जैसी व्यवस्था है, खाने पीने का भी हम लोग वहाँ पर चुकाएंगे रेस्टोरेंट में। एक पानी का बोतल भी फ्री में नहीं मिला। अभी बीवी को मैंने झूठ बोला कि भाई ये तो फर्स्ट बोतल जो है हम लोग को फ्री में मिला, देखो पानी का बोतल भी पकड़ा दिए। अरे भाई पूछा जाता है होटल में तब हम ऑर्डर करें या आपका सिंपल वाटर, तो आपको ऐसा लेना चाहिए। सिंपल वाटर बोला मैंने सादा, तो उन्होंने मिनरल्स में सादा वाला लिया। और नहा वहा लिए मैं, 10 मिनट में ब्रश हो गया, बट बहुत थका देने वाली जर्नी रही। बस में आए पहले तो अंबिकापुर से कांटा बेल उस जगह का नाम है। ब्लॉग में डिटेल जब बनाऊँगा तब आपको बताऊँगा। वहाँ तक 80-90 रुपीज़ पर हेड, और फिर वहाँ से ऑटो बुक करके आना पड़ा, जो कि बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल से। बसेस वहाँ रैंडमली नहीं जाती, एक बस आ रही थी पूरी पैक की, सीतापुर की तरफ से आ रही थी, जस्ट टू सीतापुर वाला रूट। और वो बस को हम लोग बीच रास्ते में देखे पंचर हो गया था, गाड़ी का टायर बदल रहे थे, और हम लोग को ऑटो वाले से भी बहुत बार्गेन करना पड़ा। काफ़ी घाट रोड था, 17-18 किलोमीटर मानता हूँ, और टोटल 28-30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ गया। बट हम लोग को 550-560 रुपये मैंने पे किया उसको पूरा। और चलो ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, लंच पे जाएंगे, फिर शाम को थोड़ा बहुत यहाँ मनोरम दृश्य घूमने निकलेंगे, बने रहिए। वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। गला थोड़ा सा बैठ गया, सुबह से पानी बहुत कम पिया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि भाई यहाँ आने के लिए इतना चोटी का थोड़ा आजमाइश करना पड़ेगा। नॉन स्टॉप भूखे प्यास से चले, बस एक बिस्किट का सहारा था, और सुबह मैं पानी पिया हूँ बस में बैठ थोड़ा सा, और अभी होटल में आके पानी पिया मैंने। घर वालों को भी वही हाल है। क्या हुआ, बस वाले जो है अंबिकापुर से सीतापुर मार्ग के लिए जो बस जाती है उसमें हम लोग को ये बोल के बैठा दी कि आपको ब्रेक करके जाना पड़ेगा। तो हम लोग को आटा बेल जगह में उतारने का बोल के बैठा दिया। अभी आते हुए मैन पार्ट के हिली एरिया से उतरे हैं, मतलब तो ये जस्ट मार्केट के पास पहुँचे थे। यहाँ 47 किलोमीटर का हमें बोर्ड दिखा कि सीधा इस तरफ जो है अंबिकापुर है, और हम लगभग 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि चलते हैं। घंटा 1.5 घंटा तो हमको टाटा बेल चौक में पहुँचने में लगा, फिर वहाँ से हमको आने में लगभग 30-35 मिनट लग गया ऑटो में। आप अलग से पे करें अलग, 47 किलोमीटर चल के आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पर हेड 50-150 रुपये तक पड़ जाता है, और हम लोग पूरे राइड पर 250-550-800 रुपये पड़ जाते हैं, ज़्यादा ही कॉस्टली हो गया। तो ये चीज़ आप लोग आओ तो ध्यान रखिए, अंबिकापुर के लिए जैसी भी बस सेवा है, भले ही थोड़ा रुकना पड़े बट उसी में आइए। सुबह 9 बजे शायद दूसरी बस थी, पहली बस शायद 8 बजे के पहले थी, हम लोग मिस कर गए थे। ट्रेन काफ़ी लेट आया हमारा, पौने 8 बजे तक हम स्टेशन अंबिकापुर में पहुँचे। ऊपर ऐसा है कि सेल्फ सर्विस वाली व्यवस्था का पानी वाली, तो उसके लिए भी वेट करना पड़ा। मैंने बंद किया उसको, अभी तो इसमें बैठा हूँ, इसलिए जल खत्म हो जाए तो अब जल एक जन डाका पा ये जो बंद कर। तो सेल्फ सर्विस वाली व्यवस्था अभी तो खेल की भूख लगी है, पेट पूजा करेंगे, बेटी का पूजा नहाना होना, उसके बाद शाम को थोड़ा मार्केट राउंड अप करेंगे। बाकी ऐसा पॉइंट है कि धूप में घूमने कोई मतलब नहीं है, पसीना सुखाएंगे पसीना गिराएंगे, इसलिए कल सुबह सुबह निकलेंगे जितनी हो सके 3-4 घंटे में सब स्पॉट करेंगे। पानी वगैरह तो यहाँ ज़्यादा होगा नहीं, गर्मी तो यहाँ भी है, बस यही कि हिली एरिया के ऊपर आप सफ़र करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं जितनी हमारे छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया की तरफ है, बिलासपुर बिलासपुर रायपुर। बस में भी टेम्परेचर तो वहाँ भी 34 बता दिया है, यहाँ पर 34 के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, बस
बस अभी ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे शाम को, या फिर लंच में अगर बैठना तो है तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा वहाँ का देखो, बस बाहर का दिखाएंगे, बने रहिए। और आशा करते ब्लॉग आपको इंट्रोडक्शन अंबिकापुर का अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खासकर वो व्यूअर्स जो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, करते हैं।